इनको नमस्कार। जम्मू परिवर्तन में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिवराज। जी जी सर, प्राइवेट स्कूलों को लेकर लूट बात कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये मसला और पिछले कई दिनों से ये खबर जो है आम देखने को मिल रही है। इसी के चलते आज सोशल वर्कर जो अखनूर के JJSF से लेकर विश्व हिंदू परिषद अपने दिव्यांग ट्रस्ट के चेयरमैन एक नोटिस इनकी नज़र में करने आए हैं। सबसे पहले हम बता दें कि इस वक्त हम खड़े हैं अखनूर JDO ऑफिस में। JDO जो हैं जहाँ पे मौजूद नहीं होने के कारण आज ये मरमंडो हम इनके ही एक अधिकारी को दे रहे हैं। ये एक बार हम दिखा दें। ये मरमंडम दिया जा रहा है ये उन स्कूलों को लेकर जो आप आए दिन अभी खबरें देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों वालों के जो ये कुछ हो रहा है, तो उसके चलते तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक मरमंडम दिया जा रहा है जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर पूरा एक इनके नोटिस किया गया है जोनल एजुकेशन ऑफिसर में। इस वक्त हम अखनूर के जोनल एजुकेशन ऑफिस में खड़े हैं। इसी को चलते इन्होंने एक मरमंडम दिया है। हम बात करने की कोशिश करेंगे जहां पे जो इस वक्त मौजूदा अधिकारी हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है जो JDO जी जहां पे नहीं है, तो इसी के चलते हम जहां के जो इस वक्त अधिकारी हैं। सर प्लीज़ सर, हाँ प्लानिंग ऑफिसर सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे किस चीज़ के लिए मरमंडम आज आपको ये किस चीज़ के लिए? ये मैं यहाँ सुरेंद्र कुमार जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर अखनूर से पोस्टेड हूँ। तो ये आज ये हमारे मीडिया के थ्रू से ये हमें मेमोरेंडम मिला है कि जो प्राइवेट स्कूल जो है हमारे जोन के अंदर या पूरे हमारे स्टेट के अंदर, इनका फीस स्ट्रक्चर जो है ये अपनी मनमर्जी से बढ़ा रहे हैं। तो जितना हो पाएगा जो हमारी ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो फाल करेगा उस पर हम एक्शन करेंगे। जो भी स्कूल हमें जो पाया जाएगा कि अपनी जो मनमर्जी कर रहे हैं और ये फीस स्ट्रक्चर जो है ये बढ़ा रहे हैं, वहाँ हम इंक्वायरी करेंगे। जो स्कूल इसमें पाया जाएगा उसके अगेंस्ट हम एक्शन करेंगे और स्ट्रांगली रिकमेंड करके हर अथॉरिटी को भेजेंगे। वो इस पर यानी कि हम कहते हैं हम इनकी जो रिकॉग्नाइजेशन है, हम हर अथॉरिटी को अप्रोच भी करेंगे, वो कैंसिलेशन होना चाहिए। सर बात इस तरह से जो फर्स्ट टाइम आपके नोटिस में आया कि पहले का, क्योंकि ये एक ऑर्डर जो कॉपी है जो बहुत पहले की निकली है, जी आज आपके साथ पहुँच रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास इसके ऑर्डर की कॉपी ऑलरेडी मौजूद है। ये 2014 से ऑर्डर ये निकला था। तो ये जो है यानी कि मोर देन 60,000 पर एनम एंड 6,000 पर एनम एंड कैन नॉट बी इंक्रीज ट्यूशन फीस मोर देन 6%। हुज ट्यूशन फीस एक्सीड्स मेरा कहने का भाव ये था कि ये आज नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो दिशा निर्देश हैं बहुत पहले के, तो आपके अपने ऑफिस से क्या डायरेक्शन आई है प्राइवेट स्कूल? नहीं, देखिए जो हमारे पास पेरेंट्स कंप्लेन फाइल करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि दो स्कूलों की हमारी कंप्लेनें हमारे पास आई हैं, उस पर हमने एक्शन किया है। एक्शन जो है हमने वहां पर गए, उनका फीस स्ट्रक्चर को देखा, जो वहां पर हमें पाया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि फीस स्ट्रक्चर जो है बस का जो फेयर था, जैसे खोड़ के आगे पहाड़ी वाला गाँव आता है वहाँ का 2,000 रुपया है और प्लान वाला का वो है 1,700 रुपये लिया। मैंने उसको अंडरलाइन किया, उनको हदायत दी जो वहाँ के जो चेयरमैन हैं, वहाँ के जो ऑफिस इंचार्ज हैं, कि आप इसको देखिए, इसका फीस स्ट्रक्चर जो है रिड्यूस करो, कम करो, ये नजायज़ है बच्चों के साथ कि पलाम वाला का आप 1,700 ले रहे हैं और यहाँ का ये पहाड़ी वाला गांव का जो है आप 2,000 रुपये ले रहे हैं। तो ये हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी और हमने लिखकर भी दिया था, क्योंकि कुछ पेरेंट्स की हमारे पास कंप्लेन आई थी कि 3 महीने की एडवांस फीस ले रहे हैं। इस पर भी हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि जो पेरेंट्स एक महीने की भी फीस देता है आप उसकी भी फीस लीजिए, आप ये उनको कंपेल मत कीजिए कि आप तीन महीने की ही फीस दो। ये ऐसा कोई अंडर रूल में ऐसा नहीं है। जो हमारी हर साडे की कमेटी है, मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा प्राइवेट स्कूल जो है हमारे जोन के, वो जो फीस स्ट्रक्चर जो है 2014 का, उसी के मुताबिक फीस चार्जेस आप कीजिए। अदरवाइज जोनल एजुकेशन ऑफिसर यानी कि आप हमारी ऑफिस की तरफ से, DPCO ऑफिस की तरफ से ये हम रिकमेंड करके भेजेंगे कि इन स्कूलों के अगेंस्ट
स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जो ये जो फीस स्ट्रक्चर जो है जो बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद जी। इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद जी। जे जहाँ के अधिकारी थे, जो मौजूदा अधिकारी थे हमारे साथ, JJSF के अतुल सुदन जी जुड़ चुके हैं, जो इस मुहिम को लेकर अखनूर से लगातार आगे चल रहे हैं। अतुल जी, आज आप एक मेमोरेंडम पेश करते हैं जहाँ पे वैसे JDU मैम तो नहीं थी, लेकिन उनके अधिकारी को आपने दिया, क्या कहेंगे? किस तरह से जो मेमोरेंडम आपने दिया और किस लिए दिया, क्या क्या आपकी जो बुनियादी जो आपने इसमें लिखा हुआ? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से अखनूर के तमाम पेरेंट्स JJSF के साथ जुड़ के, बाकी जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, इस मुहिम को लेकर जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो लूट खसूट कुछ एक प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ एक प्राइवेट स्कूल्स जो वायलेशन कर रहे हैं फीस सेक्शन कमेटी का, उसके खिलाफ हमने जो है एक मुहिम छेड़ी हुई है। उसी के रिगार्डिंग पहले से हमने इन्फॉर्म्ड था कंसर्निंग ऑफिसर डिप्टी CO सर को भी कि आज हम उनके ऑफिस में आने वाले हैं, लेकिन हो सकता है उनको कोई मीटिंग पड़ गई है वहाँ पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास अभी जोनल जो है प्लानिंग ऑफिसर साहब मौजूद थे, जिनके साथ हमने डिटेल में सारी डिस्कशन करी है और उनको एक हमने मेमोरेंडम सौंपा जिसके साथ हमने फी फिक्सेशन कमेटी का ऑर्डर नंबर 1 भी सबमिट किया है, जिसमें ये साफ तौर पे मेंशन है कि 6000 रुपया जो है एनुअल चार्जेस, ट्यूशन जो भी सारे चार्जेस साल के होते हैं मिला के मैक्सिमम 6000, और ट्यूशन फीस जो है वो 1000 रुपया ली जा सकती है। इसके अगर आगे किसी ने एक्सीड करना है तो वो पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा फी फिक्सेशन कमेटी को। उसके अलावा ऑर्डर में एक चीज़ और मेंशन थी कि आपको जो है फीस जो है वो डिस्प्ले करनी है अपने स्कूल्स के नोटिस बोर्ड पे, वो भी जो है अखनूर में क्या पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने आज इनके जो है सामने ये बातें रखी हैं। और इनका कहना था जिस तरीके से कि अभी तक कोई कंप्लेन नहीं मिली, मैं तो ये समझता हूं कि ऐसे इश्यूज पे अगर पेरेंट्स सामने आ जाते हैं, बच्चे के नाम को हम ओपन कर देते हैं, तो कल को कहीं ना कहीं बच्चे को थ्रेटनिंग रहेगी, स्कूल से हरास किया जा सकता है। तो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से भी और बाकी लोगों से भी जो इस मुहिम से जुड़े हैं, पहले तो उन स्टूडेंट्स के जो नाम है वो ओपन ना किए जाएं, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से कब एक्शन होगा ये तो भगवान जानता है, लेकिन हमें सबसे पहले उन बच्चों की सेफ्टी भी देखनी है। दूसरी चीज़, अगर प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट पेरेंट्स, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स एसोसिएशन ने मिलकर फी फिक्सेशन कमेटी के साथ बैठ के ये बीच का रास्ता निकाला है, तो मैं समझता हूँ अब इसको फॉलो करने में कहीं पर भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, अगर ये जो रूल इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने एडमिशन फीस ऑलरेडी सबमिट कर दी है, तो क्या उनको वापस मिलने के चांसेस होंगे? बिल्कुल क्यों नहीं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? जो स्कूल हमारी जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, अगर इन स्कूलों ने एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत फीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा ली है, तो हम पूरी तरह से जो फीस जो है वापस करवाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से होगा सर जी? किस तरह से होगा? एक्शन लेंगे इनके गाइडलाइंस देना पेरेंट्स को कि आप ऐसे करें तो हमारे पास, मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमारे पास रिटर्न में आना चाहिए, तभी हम उस पर एक्शन करेंगे। तो आपके माध्यम से यही मैं कहूंगा कि पेरेंट्स जो हैं जिन्होंने ऑलरेडी फीस सबमिट वहाँ अपने स्कूलों में करवा चुके हैं, जो फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने जो हमारी स्कूल की DSE स्कूल कमेटी फ्रेम की गई है, उसे अगर जिन स्कूलों ने फीस ज़्यादा ली है, वो पेरेंट्स, मैं ज़्यादा नहीं कहता, कुछ पेरेंट्स हमारे पास कंप्लेन लेकर आए, फिर हम उस पर एक्शन करेंगे। बुक्स की बात की जाए, यूनिफॉर्म की बात की जाए, आई कार्ड की बात की जाए, वो भी वही मैं कह रहा हूँ ना, फोर्सली दिए जा रहे हैं उनको कि हमसे ले। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स जो है हमारे पास कुछ ना कुछ, यानी कि कंप्लेन करेंगे तो तब हम एक्शन करेंगे। अगर हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं आएगी तो हम एक्शन क्या करेंगे जी? अतुल जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये ऑर्डर अब लगभग काफ़ी टाइम हो गया निकले हुए, कंसर्निंग डिपार्टमेंट जो जैसे अखनूर में हमारे ये JDU ऑफिस है, डिप्टी CO ऑफिस है, यहाँ पे भी जरूर उसका जो है कम्युनिकेशन पहुँचा होगा, तो इनकी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। पेरेंट्स तो सामने आ रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पेरेंट कंप्लेन भी कर देते हैं, सामने भी आ जाते हैं, अगर उसके बाद भी उनके ऊपर एक्शन नहीं होता तो बच्चे की सेफ्टी की गारंटी क्या डिपार्टमेंट उठाता है? क्या डिपार्टमेंट चेक करता है? क्या डिपार्टमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई कि वो एक कमेटी गठित करे, वो स्कूलों में जाके इंस्पेक्ट करे कि स्कूल ने जो है फीस जो है डिस्प्ले की हुई है नोटिस बोर्ड पर, कि स्कूल ने जो है फी फिक्सेशन से ज़्यादा फीस ली हुई है? वो चीज़ें कहीं ना कहीं चेक करना, मैं समझता हूँ, डिपार्टमेंट का भी फर्ज था। चलो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, आज हमने इनके समक्ष जो है रिटर्न में कंप्लेंट सौंपी है और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ एक्शन होगा, अन्यथा जो है मजबूरन आज
कुछ लोग हमारे साथ हैं, जरूरत पड़ने पर ज्यादा लोग एकत्रित होकर हमें अगर रोड बंद करना पड़ा रोड भी बंद करेंगे, क्योंकि हमें जो है मजबूरन जो है अथॉरिटीज को मजबूर करना पड़ेगा इन स्कूल्स के ऊपर एक्शन लेने के लिए। रंजीत जी क्या लगता है, आज देखो खबरें तो बहुत दिन से लग रही हैं, आज फिर एक बार नोटिस दिया गया, क्या लगता होगा कोई एक्शन? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से हम सभी से कनेक्ट हो सकते हैं और जो हम देख रहे हैं कि हम काफ़ी लोग हमारा साथ दे रहे हैं और जो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा हमारा साथ दें और इस चीज़ में हम आगे बढ़ें। और इस ये देखिए जो हमने सर ने बताया, अभी कुछ लोग ऐसे पेरेंट्स हमारे पास नहीं आए थे, देखो पेरेंट्स का वही अतुल जी ने जैसे कह दिया कि सेफ्टी का एक बहुत बड़ा मसला रहता है, सेफ्टी बच्चों की सेफ्टी चाहिए पहले, तो देखिए हम कर रहे हैं इसका साथ, तो सर ने बताया तो हम करेंगे इसके साथ जो भी है। अतुल जी ने सेफ्टी क्या है बच्चों की, बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल अपना पढ़ाई के लिए जाता है, उसने पढ़ना है अपने स्कूल में जाकर, वो वाली सेफ्टी मेंटली हरासमेंट किया जाता है ना, वही हरासमेंट नहीं कर सकता है, जब उस स्कूल के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा तो वो उसका मतलब नहीं रहता कि हरासमेंट करने। सर एक बात अभी आई थी, एक पेरेंट्स थे, मैं एक बार कैमरामैन को बताऊं कि पीछे घुमा दे कि सारे पेरेंट्स जो आए हुए हैं सोशल वर्कर आए हुए हैं, एक बार मैं बता दूं, एक पेरेंट्स ने इस वक्त जहां पे कहा था कि हमने उनसे कुछ बात की स्कूल से, तो उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे को जो है सर देखिए यूजुअली ऐसा होता है जब कोई स्कूल से निकाल लो आप ले जाओ, अगर पर्टिकुलरली कोई बच्चा उठ के या उसका पेरेंट उठ के किसी स्कूल के खिलाफ कंप्लेन करेगा, हमने पहले भी देखा पीछे जब हमने आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़े लोगों ने हमें भी कमेंट किया कि अगर लोगों को इतनी प्रॉब्लम है वो अपने बच्चों को यहां से निकाल ले, तो मैं समझता हूं कि ये तो जिसको कहते हैं डिक्टेटरशिप हो गई कि अगर बच्चा नहीं फीस इतनी पे कर सकता तो आप लोग बच्चों को स्कूल से निकाल दें। मैं कहता हूं गरीब लोगों के, मैं वही कह रहा हूं ना कि जब बच्चा पहली बार आपके स्कूल में एडमिट हो रहा था आपने तब उसको सारी कंडीशन थोड़े बताई थी कि आप एक साल के बाद कितनी फीस बढ़ाओगे, तब आपने उसको 1300 रुपए में एडमिट किया था, आज आप उसकी फीस 10,000 कर देते हो, फिर आप उसको बोलते हो नहीं पे कर सकता तो बाहर निकाल दे। मैं समझता हूं ये जो इश्यूज हैं काफी गंभीर मुद्दे हैं और जिस तरीके से सर ने हमें अश्योर किया उम्मीद है जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जी देखिए कुछ स्कूल हैं जो हम बता रहे थे कि अजदुल ने बताया कि कुछ लोग स्कूल जो ऐसे टीसी भी नहीं देते हैं किसी को, अगर टीसी देने के लिए बात करें तो वो कहते हैं कि अगले ईयर की आप साल की फीस जमा करें, बिल्कुल बाय रूल जो मतलब कि वो बात करते हैं कुछ भी मतलब कि उसके खरा नहीं उतरते हैं, तो बस हम यही चाहते हैं कि इसके इन सभी स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और सभी पेरेंट्स को मतलब कि सारा कुछ जल्दी से जल्दी हमारे पास पेरेंट्स आए जी, और टीसी के लिए हमारे पास पेरेंट्स आए, जिन स्कूलों के टीसी नहीं दिए जा रहे थे हमने उनको फोन के लिए उनको बताया और टीसी उनको बच्चों को मिल गया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को श्योर करते हैं कि आइंदा से उनको हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो बच्चा अगर आपका फी जो है डिपॉजिट हो चुकी है एनुअली पूरी कोई फीस बच्चा दे चुका है तो आप उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? सर वैसे तो ये जरूरी तो नहीं होता ना कि कोई आए आपको एक कंप्लेन दे उसके बाद ही जो है डिपार्टमेंट एक्शन में आए, ये नहीं एज पर रूटीन जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो हम टाइम टू टाइम हदायत देते रहते हैं, बाकी कहते हैं ना ओ, अब मैं इस माध्यम से नहीं मैं कह सकता हूँ उसमें क्लियर तौर पे मेंशन है कि जो कंसर्न है माँ भी नहीं दूध पिलाती है, जब तक कोई हमारे पास लेकर कुछ आएगा ही नहीं कंप्लेन लेकर नहीं आएगा सर, खबरें लग रही हैं सर पीछे से बहुत खबरें लग रही हैं, देयर आर सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द चेयर आल्सो, तो मैं ये समझता हूँ कि उस ऑर्डर में साफ तौर पे मेंशन था कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तहसील लेवल पे जोन लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं वो लोग देखें ये चीज एग्जामिन करें, अगर कहीं कोई कंप्लेन आती है तो उनको रिकमेंड करने चाहिए, ज्यादा एक्शन नहीं एटलीस्ट यू कैन रिकमेंड फॉर द स्टर्न एक्शन अगेंस्ट दी स्कूल सर। बिल्कुल आप लोगों को यानी कि आपके माध्यम से ही मैं आज यहां पर फिर बोलना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट जो है जे हम भी फील कर रहे हैं कि जैसे शाली जी ने कहा कि प्राइवेट स्कूल एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल जो हमारे हैं उसमें स्ट्रेंथ क्यों कम हो रही है, बच्चे कम क्यों आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा इशू सर, ठीक है ये बहुत बड़ा इशू है, तो इस पर हम तो यानी कि ग्राउंड लेवल के ऑफिसर हैं, हायर अथॉरिटी ने भी इस पर बड़ा चर्चा की है, इस पर सेमिनार हुए हैं, बहुत सारे सेमिनार हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई हैं, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस पर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सख्त इसको हदायतें दी हैं स्कूलों को भी, प्लीज़ मेरी आप मेरे को बात पूरी करने दो कि मानता हूँ कि हमारे स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूलों में अभी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे स्कूलों के पास है एज कम्पेयर टू दी गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल के बराबर नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अभी देखिए हमारे पास डेस्क आए हैं 200 डेस्क आया हमने स्कूलों को प्रोवाइड किया,
टाट वगैरह जिसको हम बोलते हैं नीचे बच्चे को बढ़ाने के लिए, वो हमने प्रोवाइड किया। फिर देखिए मिड डे मील फ्री बच्चों को दी जा रही है, फ्री बुक्स दी जा रही है, फ्री यूनिफॉर्म दी जा रही है, और यानी कि एक ये एक ट्रेंड भी बन चुका है। एक एक हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं तो कहते हैं यार, सोचते हैं कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में क्यों, लेडीज एक दूसरी लेडी से कहेगी कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, वो अगर कहे कि गवर्नमेंट स्कूल में हैं, आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, आप प्राइवेट में क्यों नहीं डालते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एक पर्सनल सवाल था, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं सर, पर्सनल सवाल है। मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल की ब्रीड हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं। आज जिस स्टेज पर हम पहुँचे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़कर आए हैं। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो हैं वेल क्वालिफाइड होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, बस यही है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मेरी बात ये थी कि अगर सरकारी स्कूल आप कह रहे हो डेवलपमेंट कब होगा, वो तो तभी होगा कि जब सरकारी से बाहर जा रहे हैं हम। आज जिस इशू पे था सर, पहले उसके ऊपर फोकस रहे। कोशिश हमारी है, इसमें हमारी कोशिश है कि हम यही कहेंगे, अगर हम अपने गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हैं तो बच्चे भी हमारे जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों में जाना चाहिए। तो लेकिन ये मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किन स्कूलों में है, अभी देखिए वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, फिर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी जो है हमारे स्कूलों में प्रोवाइड, कोशिश कर रहे हैं। अभी कंपेन हमारी टीचरों ने हमने चलाई कि घर घर जाओ, जाकर बच्चों को पेरेंट्स को मोटिवेट करो, बच्चों को स्कूल में लाओ। पेरेंट्स बच्चे जा रहे, टीचर हमारे जा रहे हैं घरों में, एक घर में जा रहे हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। बच्चे पहले से, मैं श्योर करता हूँ, पहले से आज अब की जो इनरोलमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। तो देखो ये एक कैरियर प्रोसेस है, एकदम कोई भी चीज़ एकदम करने से नहीं होगी, आहिस्ता जो पूरा सिस्टम जो हमारा जो है एजुकेशन, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है थोड़ा, हमारे साथ इस वक्त दिव्यांग संस्था के चेयरमैन है सर, अभी इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि घर घर जाके कहना पड़ेगा कि सरकारी स्कूल। मुझे तो हंसी आती है इस बात की कि जो आप टीचर घर घर भेज रहे हैं, क्या आप उनको पता आपको कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, क्यों कि वो कहते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, क्यों नहीं पढ़ाई है। मैंने पहले भी क्वाइट किया आपको कि 30% रिजल्ट आता है यहाँ का और 80% आता है प्राइवेट स्कूल का, क्यों? मैं बोलता हूँ, मैं आपके माध्यम से, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा सर, आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ गवर्नर साहब से, क्योंकि एज ए गवर्नर इस वक्त गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, मैं डायरेक्टर से बात नहीं करूँगा, सीईओ से नहीं करूँगा, डिप्टी सीईओ से, गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि जितने भी एम्प्लॉई हैं जम्मू कश्मीर के, सभी के बच्चे अंडर रूल सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए, और ये जो प्राइवेट अकेडमियों का धंधा है इसको अपने आप ही चौपट हो जाएगा ये। और नंबर दो, अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर अलगाववादियों में और हमारे एम्प्लॉयज में कोई फर्क नहीं है। हम अलगाववादियों के बच्चे खुद बाहर पढ़ते हैं, खुद बाहर बिजनेस करते हैं, और हमारे बच्चों को हाथ में ग्रेनेड दे देते हैं, पत्थर दे देते हैं। यही हिसाब एम्प्लॉय का है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, केसी गुरुकुल में पढ़ रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, लिटिल फ्लावर में पढ़ रहा है, तो हमारे बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको भी 30% आता है रिजल्ट, क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में देखो पैसा लेते हैं और पैसा आगे जाता है, उनका रिजल्ट फर्स्ट क्लास आता है। यही वजह है कि मैं प्राइवेट स्कूलों को दोष नहीं दूंगा, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को दोष दूंगा कि उसकी वजह से ये सारी गेम हो रही है। और लो क्लास की नहीं करूंगा, मैं इनकी बात नहीं करूंगा सुंदर जी की, मैं हायर अथॉरिटी की बात करूंगा कि उन्होंने सिस्टम को गंदा कर रखा है। जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, जब तक एम्प्लॉई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालेंगे, तब तक ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। चाहे हम लोग जाएं, 50 आए, 500 आए, 5000 आए, ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता सर, सीधी सी बात है। थैंक यू जी सर। ये सर, आप एक सोशल वर्कर हैं, आप क्या कहेंगे? आज एक मेमोरेंडम दिया जाता है, तानाशाही लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की जाँच, क्या बोले? देखिए, काफ़ी लंबे अरसे से जो जहाँ पे बातचीत हो रही है, अभी जिन लोगों से हमने, जो ऑफिसर साहब हैं जहाँ पे जो हैं, उनसे तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जिनके साथ भी मुलाकात हुई तो हम लगभग इनकी बातों से जो है संतुष्ट हैं। लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन हाईकमांड, प्रशासन, कहीं ना कहीं ये लोग प्राइवेट स्कूलों के साथ जुड़े हुए हैं, और जो भी जो धांधलियाँ, जो भी काम हो रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, ये इनकी देखरेख में ही हो रहे हैं। अगर कंप्लेंट्स आती हैं तो उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता है? अगर एक दो बार कहीं अगर सख्त एक्शन लेंगे
तो दोबारा वो भी जो वो बात होगी नहीं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है, सिर्फ कागजों कतर में जो है फाइनल जो है उसको करके तो साइड कर देते हैं। तो ये काफ़ी लंबे से ये पहले भी हमने 2011-12 में भी जो है इसके ऊपर हमने बात की थी, लेकिन तब भी 2-4 महीने के बाद जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ गया था और वहीं के वहीं हालत रही। यूनिफॉर्म लेनी है तो स्कूल से लेनी है, बुक्स लेनी है तो स्कूल से लेनी है, या एक ही जो है दुकान जो है वो इन्होंने तैयार करके रखी है कि वहीं की उसी स्कूल उसी दुकान से जो है ये बुक्स आएंगी और किसी भी दुकान से बुक्स जो है वो स्कूल एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा नंबर, जो पिछले साल की बुक्स हैं, अगर मान लो कि दो भाई एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एक 7th पढ़ रहा है एक 6th में पढ़ रहा है, तो अगर 6th वाला 7th में लगता है 7th वाला 8th में जाता है तो क्या वो 6th की बुक्स जो है वो 7th वाले को नहीं लगेंगे? लेकिन नहीं बोलेंगे, नहीं ये तो पुरानी है नहीं बदल लियाओ, तो ये तो एक गदर है। तो इसमें लास्ट में मैं फिर यही कहूँगा कि प्रशासन प्लस एजुकेशन हाई कमांड पूरी तरह से इन में जो है इन्वॉल्व है और बहुत ही ज़्यादा गदर है। वही कारण है कि प्राइवेट जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की संख्या जो दिन ब दिन घटती जा रही है। अभी जैसे मैंने सुना भी है कि बोल रहे कि हम हर जो है गांव में जो है सम्मेलन कर रहे हैं कि बच्चों को सरकारी स्कूल में डालो, ऐसा कुछ नहीं है। हम सोशल हैं, हम आए दिन जो है किसी ने गाँव में स्कूल में कहीं ना कहीं हम चले रहते हैं, तो वहाँ की जो कंडीशन देख के हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर, सभी सिर्फ टाइम पास करने के लिए। हालांकि मैं इसमें पेरेंट्स को भी स्पेयर नहीं करूंगा, क्योंकि पेरेंट्स भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि पेरेंट्स पड़ोसी को देख करके जो है वो बड़े स्कूल में बच्चों को डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद वो चाहे वो दिहाड़ी लगा रहा होगा, जो 500 रुपये दिहाड़ी कमा के आएगा तो वो 400 रुपये स्कूल में देगा तो वो घर कहाँ से चलाएगा वो, लेकिन क्या है कि कॉम्पिटिशन है इनका। तो मैं यही कहूँगा प्रशासन से भी और एजुकेशन हाईकमान से भी कि मेहरबानी करके इन चीज़ों को रोकिए, ताकि ये दिन ब दिन जो है ये बुरी तरह से जो है जो बढ़ता जा रहा है इसको खत्म करने की कोशिश करें। धन्यवाद जी, आप जो ही जुड़े रहें जम्मू रिपोर्ट के साथ। मैं शिव विरागी, कैमरामैन निशान गुप्ता के साथ।